गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी आजकल ठीक हूँ और आज शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग का। 9 बजे साढ़े नौ हो गए और डेट है आज 2 अप्रैल। और यहाँ देखिए मौसम आज बिल्कुल साफ है। पिछले 2 दिन से ठीक बारिश हो रही थी और आज मौसम बिल्कुल साफ है। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज टेरेस पर शूट कर रही हूँ। काफी दिन हो गए थे मैंने टेरेस पर शूट नहीं किया था क्योंकि मैं इधर उधर घूमने गई थी। तो वही ब्लॉग डाले थे, नवरात्र के ब्लॉग डाला था, है ना। तो मैं कहीं रास्ते में कहीं भी शुरू कर रही थी तो आज मैंने टेरेस पर शुरू किया और यहाँ का खूबसूरत व्यूज भी दिखा रही हूँ आप लोगों को साथ साथ में। तो आप लोगों को ये वाला व्यूज बहुत पसंद है तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। बने मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर न्यू है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो अपने गमले दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं आजकल और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए अलग अलग कलर का है ना, खूबसूरत से गमले। गमले खूबसूरत नहीं है, फूल खूबसूरत है। गमले तो मैंने देखिए डब्बे वगैरह काट के बाल्टी जो फटे पुराने बाल्टी वैसे गमले बनाए हैं और फूल खूबसूरत है, काफी सुंदर फूल है। ये गमला मेरे पास एक ही है, यही लिया है मैंने और काफी खूबसूरत है। और साथ में दिखा देती हूँ मैं सतलुज का व्यू और इसी के साथ दिखाऊंगी मैं आज दिन का क्या क्या काम होने वाला है मेरा। और साथ में ये सामने वाला हमारा खूबसूरत सा व्यू, ये देखिए ये सामने वाला खूबसूरत सा व्यू है हमारा। तो इसी के साथ बनते हैं आगे वीडियो में, बनने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आज खेत खलियान और खेत कहाँ से मैं घास लाती हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्या क्या होने वाला है वो भी मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको। चलिए बने रहे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, आज बता भी दूँ कि मेरा कितना सारा काम होता है। ये देखिए एक ये गाय है, परे वाले तो मेरे देवर और देवरानी की गाय है, ये बच्ची भी उनकी है। तो ये है मेरी गाय और इसी के साथ ये देखिए ये है मेरी बच्ची। और अब मैं जाने वाली हूँ, अभी मैंने सूखा घास दिया है और मैं जाने वाली हूँ हरा घास लेने। और मैंने ये देखिए ये वाला किल्टा फूल लाना है घास का और छाया पड़ रही है और दराटी भी डाली है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं साथ में किधर किधर से जाती हूँ मैं घास के लिए और कौन से खेत में जाने वाली हूँ। तो इसी के साथ थोड़ा सा मैं अपना घर भी दिखा दूँ। यहाँ देखिए और ये हमारा घर है और यहाँ से और ये पुराना वाला मकान है, दूर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, है ना, पुराना वाला मकान। ये हमारा पुराना मकान है और ये हमारा गाय का खुड है और किल्टा है और कैमरा तो नहीं हिल रहा होगा, मैंने हाथ से पकड़े है। और यहाँ से जाऊंगी मैं, हमारे यहाँ पर है गली जैसा, ये वाला गली तो मैंने पहले भी दिखाया, थोड़ा सा दिखाऊंगी नहीं तो बोर हो जाएंगे आप लोग। तो ये दिखाऊंगी और बाकी का दिखाऊंगी आगे जाकर, आगे कहाँ कहाँ से जाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा रास्ता और ये साइड वाला ये खेत है हमारा छोटे वाले ससुर जी का। और ये मैं कमाती थी, मैं लगाती थी इसमें सब्जी और ऑपरेशन के बाद नहीं लगाया है मैंने। और यहाँ देखिए खूबसूरत सा व्यू और बाकी दिखाती हूँ मैं थोड़े से आगे जाके। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं अब ऊपर की ओर, ये वाला रास्ता भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो गांव का जीवन जितना देखने को खूबसूरत होता है उतना ही टफ भी होता है जीना और ढेर सारा काम करना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ से जाना है। अब मुझे नहीं पता आज कैमरा हिल तो नहीं रहा है। तो कौन से खेत में जाने वाली हूँ वहीं पर जाकर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ। ये खेत भी हमारा नहीं है, हमारे रिश्तेदार का है क्योंकि मैंने इस बारी सब्जी वगैरह कुछ नहीं लगाया मेरे खेत में, घास वगैरह भी नहीं है और मतलब बाड़ बोलते हैं हम लोग, ऐसे तारे नहीं लगाई है तो कुछ भी नहीं है मेरे खेत में। अब जब ठीक हो जाऊंगी तभी करूंगी अपने खेत के रखवाली। तो अभी आई हूँ मैं, हमारे रिश्तेदार हैं उनके खेत में, मैं दिखाती हूँ किस चीज का घास लेने आई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला घास लेने आई हूँ, इन्होंने मुझे बोला है कि वे यहाँ से ले जाना अपने घास, तो यहाँ से ले जाऊंगी मैं। ये देखिए सरसों का घास है, ये सारा ले जाना है मैंने, मैंने इनसे बात की है, इनसे मांगा है मतलब घास, तो यहाँ से ले जाऊंगी मैं।
और इधर वाला खेत है और साथ में है इधर वाला, वो शायद खेत में भी है। हाँ वो परे आगे है खेत में, सब्जी निकाल रहे पालक वगैरह। अभी मैं वहाँ जाके शूट करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो मेरे को शर्म लगेगी। अच्छा वीडियो बना रहे हैं। और एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को नज़दीक जाके, है ना। तो ये जो दुपट्टा जैसा रखा है इन्होंने, इसके नीचे रखा है सरसों का बीज, और ये इस तरह से इसलिए रखा है इन्होंने क्योंकि यहाँ पर पक्षी जो है सरसों के बीज को ख़त्म कर देते खा के, और इन लोग इस तरह से मतलब चिड़ियों से पक्षियों से छुपा के रखा है। ये देखिए पूरा खेत पालक का है ना, खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पालक है। और यहाँ पर है हमारे सास ससुर लगते गांव में, वो हैं, तो ये दोनों उठा रहे थे पालक, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू भी ले लूँ और आसपास का फिर दिखा दूँ आप लोगों को, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए एक किल्टा यहाँ निकाला है और दूसरा किल्टा परे निकाला है इन लोगों ने, और मेरा किल्टा यहाँ पड़ा है लंबा। और यहाँ दिखाने जा रही हूँ आपको, देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पालक है, पर यहाँ छाया जैसी लगी है, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पालक है ना, बहुत बड़ा बड़ा पालक है। और किल्टा दो किल्टा तैयार कर दिया, एक किल्टा कल का ही निकाला है इन्होंने। तो फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं घास लेके, और घास कितना लाया है देखिए, इतना घास लाया, एक किल्टा घास का ला लिया। और आगे और क्या काम करने वाली हूँ और क्या दिखाने वाली हूँ, आगे वीडियो में बने रहे, और तब तक लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में शेयर की थी कि मैंने क्या बीजा था यहाँ पर लिफाफे में, वो दिखाने वाली हूँ। ये कितने बड़े बड़े पौधे हो गए, देखिए करेले और घिया का पौधा इतने बड़े बड़े हो गए उस टाइम जो बीजे थे मैंने, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसी के साथ जो मैंने फूल की निंदाई जैसे की थी, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, काफ़ी अच्छा हो गया। और तो फ्रेंड्स मैं वीडियो का एंड करने में भी टेरिस पर ही आ गई थी, मैं मुझे यही अच्छा लगता है एंड करना भी है, तो टेरिस पर आ गई थी, मुझे लगा कि नहीं आप अच्छे व्यू के साथ एंड करते हैं, है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा काम दिखाया था मैंने, तो ये बहुत ही कम काम दिखाया था मैंने आज का, तो इससे भी बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर रूटीन दिखाने लग जाऊँ तो मेरी आंखें बंद हो रही, जैसे रूटीन दिखाने लग जाऊँ तो बहुत ही लंबा 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो बन जाए। तो इसी तरह से दिखाऊंगी छोटी छोटी मतलब अपने लाइफ के छोटे छोटे भाग दिखाऊंगी मैं भी, क्या क्या काम होता है हमारे यहाँ पर और कैसे कैसे होता है। वैसे मैंने पहले की वीडियो में तो काफी कुछ शेयर किया है, अभी तो मैंने सब्जी वगैरह भी नहीं लगाई, जैसे मैंने पालक का खेत दिखाया ना वैसे ही मैंने भी सब्जी लगाई होती थी, पर अभी नहीं है क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के बाद मैंने कोई काम शुरू नहीं किया है। अब मैं बहुत जल्दी सब्जी वगैरह का काम शुरू करूंगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, और जहाँ भी हम घूमने जाएंगे उनका ब्लॉग भी आएगा आप लोगों को, और आपको खूबसूरत जगह हिमाचल में घूमने का मौका मिलेगा। तब तक आप लोग वेट कीजिए अच्छी अच्छी वीडियो का, और इस वाली वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।